हमेशा के लिए मून को शत्रु शत्रु समझने लगते हैं। उसका कारण यही है कि इनके वजह से, मून के वजह से मुझे ऐसा लाइफ मिला, लोग मुझे नाजायज कहते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसके वजह से जो है मरकुरी हमेशा, आप देखोगे जैसे कन्या, आप क्या कहते हैं कर्क लग्न ले लीजिए, उसमें आप देखेंगे मरकुरी 12th हाउस के लॉर्ड बन जाते हैं, तृक्त भाव के स्वामी बन जाते हैं। तो इसलिए मतलब आप मून के, जब भी आप देखोगे मून का जब लग्न आएगा ना, तो वहां पे मरकुरी बहुत ज्यादा मैलेफिक होके खड़ा है, यानी 12th लॉर्ड है, और अगेन वो 3rd लॉर्ड बन जाता है आपका। तो इसी तरीके से वो काम करते हैं। अब इसमें कारण थोड़ा सा इसको ना आप, और आपको मैं साइकोलॉजिकली समझा देता हूँ कि मून और मरकुरी का रिलेशन, यही रिलेशन मैं आपको समझाऊंगा। अभी तो हमने आपको एसेंडेंट से समझाया। अब जैसे मैंने कहा मरकुरी आपके अंदर की चालाकी है, आपके अंदर का जागृत अवस्था है, कॉन्शियसनेस है, ठीक है, आपके अंदर का कॉन्शियसनेस है। जो आप कहते हैं ना कि आप अपने, हम वो कभी कभी लिख तो साइन करने जाते हैं ना कि मैं अपने पूरे होशो हवास में, तो एक्चुअली वो बात हो रही है कि मरकुरी साथ में है, यहाँ पे बुध को पता है, तो वो वही ये बात हो जाती है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप जागृत अवस्था में है, ठीक है, जागृत अवस्था में आप वही काम करेंगे जो आपको जीवन में ना फायदा दे, ठीक है। इसलिए ना देखिए, जब आप बुद्ध के साथ हो, यानी कि जब कॉन्शियसनेस के साथ कोई काम कर रहे हो, तो चंद्रमा, उस चंद्रमा को पता है कि मेरी हानि नहीं होगी, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं बुद्ध ना मेरे लिए फायदा ही लेके आएगा। तो आप जब भी कॉन्शियस होके काम करोगे, जब भी आप कॉन्शियस रहोगे, तो क्या होगा, आप जो है बाय डिफॉल्ट आप अच्छा ही करोगे, अपने लिए अच्छी चीजें ढूंढोगे। कहते हैं ना कोई जान बुझ के अपने पैर पे कुल्हाड़ी ही मारता है, ठीक है। लेकिन अगर आप यही कहो कि जो मून है, जो मरकुरी है, वो चंद्रमा को पसंद नहीं करता, क्यों? क्योंकि जब आप मन के भरोसे चलते हो ना, जब आप होश में नहीं, मतलब होश बेहोशी में काम करते हो, इमोशन में आके बह जाते हो, या किसी लालसा में या किसी प्लेजर के चक्कर में आप बहुत ज्यादा उसमें घुस जाते हो, आप उसी डायरेक्शन में बहने लगते हो, आपका कॉन्शियस माइंड बार बार कहता है कि आप गलत हो, लेकिन आप सुनते ही नहीं उसकी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो चंद्रमा के अंडर आता है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग होता है उस वक्त, तो इसीलिए जो है ना मरकुरी जो है वो चंद्रमा को नहीं, उसकी उससे वो नफरत करता है, बिकॉज चंद्रमा जो काम करता है ना, उससे मरकुरी को हार्म हो सकता है। यानी कि आप चंद्र के वश में रह के जब भी कोई कार्य करते हैं, उसके फ्लो में चले जाएंगे, तो चांसेस है कि आप किसी गलत डील में फंस जाए, यानी इमोशनल इमोशन होके कहीं पे आपने कहीं फंस गए, या फिर आपने कहीं जरूरत से ज्यादा पिघल गए, या जरूरत से ज्यादा किसी भोग विलास में पड़ गए आप, उसके चक्कर में आपका नुकसान हो जाएगा। लेकिन मरकुरी ये नहीं कराएगा, इसलिए मरकुरी ना मून से वो ना सतर्क रहता है। लेकिन मून को पता है कि ये जो मरकुरी है, ये हमेशा ना फायदे का काम करता है, वो रिलैक्स रहता है। इसलिए आप देखेंगे मरकुरी के जब भी लग्न आते हैं, मरकुरी के चाहे वो कन्या लग्न हो या फिर मिथुन लग्न हो, उसमें वो देखेंगे आप अच्छे भाव में बैठे रहते हैं। लेकिन जब कर्क लग्न आएगा ना, तो जो बुध देवता है वो तृक्त भाव, वो तीसरा भाव, तीनों दोनों भी भाव बहुत अच्छे नहीं है, आपको पता होना चाहिए। एक तो साहस पराक्रम के लिए, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं आपको चैलेंजेस लेने पड़ते हैं। तो ये दोनों का रिलेशन कुछ आपको समझ में आया, आई थिंक इतना तक आपको क्लियर हो पाया है जो मैंने समझाया अभी। यस सर। अच्छा, और एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि ये चीज होती है, बुध 12वें घर में अच्छा नहीं है, बिकॉज यहाँ सब लॉसेस वाली चीजें, और बुध को एक ही चीज से नफरत है, इसे बेनिफिट तो उसका उल्टा हो गया ना, लॉस, तो कैसे वहां पे उसको सूट करेगा। अच्छा, एक छोटी सी चीज बताता हूँ आपको जो शायद आपको अच्छी लगे, ये थोड़ा सा मैं अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक जा रहा हूँ। जिस प्लैनेट की दशा होती है, जिस भी प्लैनेट की दशा होती है, उसके हिसाब से रहना सीखो, तब आपको बेनिफिट होगा। ये आप कभी भी थोड़ा सा अप्लाई करके देखिएगा। जैसे एग्जांपल, मेरा कहने का मतलब है, मान लीजिए आपकी शनि की दशा है और आप बड़े अकड़े हुए चलते हो, स्तंभ में रहते हो, एकदम टाइट रहते हो, आपके अंदर थोड़ा भी ना झुकाव नहीं है, थैंकफुलनेस नहीं है, थैंक यू बोलना नहीं आता, और शनि की दशा चल रही है, आप विश्वास करिए आपकी पूरी दशा खराब जाएगी। सेम फॉर केतु, केतु की दशा चल रही है और आप अकड़े पड़े हो, अपनी मूड में रहते हो, भाई हमारे जैसा तो कोई नहीं। अब आपको किसी भी चीज का अगर गुरूर है और उस गुरूर को लेके आप चल रहे हो ना, केतु और शनि की दशा में वो गुरूर टूट जाएगा। और अगर उसके अपोजिट हो आप, केतु या शनि की दशा में थैंक यू बोलना जानते हो, लोगों को सर्व करना जानते हो, आपने ऐसे लोगों को देखा होगा ना जो बिजनेस में आज बहुत ऊपर है, लेकिन छोटा सा छोटा काम करने के लिए अगर अपने ही बिजनेस में प्लेट उठाना पड़े कस्टमर का, तो उठा लेंगे,
इस लेवल पे होते हैं ना, डाउन टू अर्थ होना जिसे हम कहते हैं, डाउन टू अर्थ, जमीन से जुड़ा जिसे हम कहते हैं, यानी कि आदमी का, कहते हैं ना कि आदमी को जितना ऊपर जाना है जाए, लेकिन जमीन होते ना, जमीन को भूलना नहीं चाहिए कभी भी, जमीन पे पैर उसके रहने चाहिए। तो शनि और केतु की दशा में अगर आप हम्बल नहीं हो, आप धन्यवाद नहीं बोलना जानते, आप बल्कि उपहास या दोष दिखाना जानते हो, तो आपकी दशा खराब हो जाएगी, चाहे किधर भी बैठा हो आपका प्लैनेट, क्योंकि वो प्लैनेट जो उसी के सबसे बड़ा शत्रु है। राहु की दशा चल रही हो, राहु की दशा चल रही हो और आप में बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा अहम है, तो राहु की दशा आपको शुरुआत में तो ऐसा लगे बहुत ऊपर लेगी, उसके बाद आपको ऐसा गिराएगी ना कि आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी, क्योंकि राहु सूर्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसको ईगो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये जो प्लैनेट्स हैं इनमें कभी भी ईगो मत रखो, आप इनकी दशाएं चल रही, तो जितना हो सके ना धन्यवाद बोलना सीखो, जितना थैंक यू बोलोगे उतना अच्छा। राहु के टाइम पे कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि राहु क्या पसंद करता है और क्या नहीं पसंद करता। राहु पसंद करता है, शनि का हाइयर फॉर्म है, शनि का x10 बोला जाता है, राहु उसका हाइयर इमेज है। तो आप शनि डिसिप्लिन मांगता है, तो आप राहु से क्या एक्सपेक्ट करते हो, राहु डिसिप्लिन डबल मांगेगा आपसे। तो राहु की दशा में अगर आप डिसिप्लिन छोड़ के काम कर रहे हो और आप किसी नौकर के साथ बदसुलूकी कर रहे हो, या फिर जो जैसे जितने भी साफ सफाई करने वाले होते सब राहु के अंडर आते, जो भी साफ सफाई कर रहे हैं, क्लीनर्स हो गए, स्वीपर्स हो गए, सब आते हैं, आप उनके साथ बदसुलूकी से बात कर रहे हो, या फिर उनके साथ आप गलत व्यवहार करोगे, या फिर आपसे नीची जात वाले, अपनी जाति का घमंड है आपको, राहु राहु नीची जाति का प्रधानतः ग्रह है, शनि भी है। अगर आप देखोगे कि उसको अपने कास्ट का बड़ा कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अहम भरा पड़ा है, उसको भी वो डाउन ला देगा, राहु अपनी दशा के अंदर उसको नीचे झुकाएगा कि भाई देख ऐसा नहीं होता, रियलिटी ये है। अच्छा, शनि का कलर नीला है, आपने देखा होगा आपने, तो उस हिसाब से देखेंगे जो जो नीला कलर है और राहु का जो कलर है, राहु के लिए ब्लैक कोई कोई बोलता है, कोई शनि के लिए, बेसिकली राहु के लिए जो कलर यूज होता है वो टोबैको कलर, देखा है आपने, काइंड ऑफ विस्की कलर, आप पकड़ लीजिए विस्की का कलर, या फिर तंबाकू को अगर आप घोलेंगे तो जो ब्राउनिश कलर आएगा वो राहु का कलर आ जाएगा। शनि का कलर ना ही बहुत ब्लू है ना ही पूरा ब्लैक है, एक तरह से नेवी ब्लू पकड़ के चलिए आप, हमेशा वैसा कलर हो शनि का। और ऐसे ही बृहस्पति की दशा आपको चल रही हो, बृहस्पति की दशा में आप अगर ना ढोंग करते हो, अगर आप बहुत ढोंग करते हो किसी भी चीज का, यानी कि मान लीजिए आप काम कम करते हो, दिखावा ज्यादा करते हो कि मैं काम बहुत कर रहा हूं, बृहस्पति की दशा में आप ढोंग ज्यादा करने लगो और कोई भी भांडा फूटेगा ना बहुत बुरी तरीके से, मतलब कोई गलत काम कर रहे हो, कोई आप स्कैंडल चला रहे हो, तो बृहस्पति की दशा में टूट जाएगा, वो छुपने वाला नहीं है, बृहस्पति की दशा में खराब हो जाएगा वो चीज। ये चीज आपको समझ के चलना है, बृहस्पति की दशा में आपको दुष्कर्म, क्योंकि 9th हाउस जो कि धर्म का है, एक तरह से रिलीजियस फैक्टर्स का है, उसके खिलाफ कुछ भी करोगे ना तो वो आपको कहीं ना कहीं पे डाउनफॉल पे लेके चला जाएगा, बृहस्पति की दशा में। उसी तरीके से आप मंगल की दशा देखेंगे, मंगल की दशा चल रही हो, आपके अंदर अकर्मता भरी, आलस भरा पड़ा हो, हर बात में आप आलस हो, आप अपने कर्म के प्रति डेडिकेटेड नहीं हो। मंगल क्या है, मैंने कहा ना वो डिजायर जो आपसे कंट्रोल ही नहीं होता, करना ही करना है, वो वाले डिजायर्स हैं मंगल, वो आपको शांत नहीं बैठने देगा। और मंगल के टाइम पे आप सो रहे हो, आलस से कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि मतलब तो जैसे लाइफ लेके चलती भगवान भरोसे चल रहे हो, तो मंगल किसी के भरोसे नहीं बैठता, याद रखना मंगल कभी भी किसी के भरोसे नहीं बैठता, मंगल अपने भरोसे बैठता है। और अगर मंगल की दशा में आप किसी के भरोसे, भगवान के भरोसे बैठे हो, या फिर आप काम नहीं करते हो और आपका अपने काम को लेके वो जज्बा नहीं है आपके अंदर, थके आलस भरा पड़ा है, तो आपको मंगल की दशा कुछ खास देके, अच्छा अच्छे से अच्छे जगह बैठे रहने दो, कुछ नहीं देके जाएगी, और बुरे जगह पे बैठेगी तो बहुत ज्यादा तकलीफ देके जाएगी। तो ये आप हमेशा इसको देख के चलो, शनि के सॉरी सूर्य के दशा, सूर्य की दशा चल रही हो, आप मॉरालिटी, जैसे मैंने कहा ना सूर्य के लिए मॉरालिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वचनबद्ध, तो आपने कोई कोई चीज प्रॉमिस कर दी, कमिटमेंट कर दी, कमिटमेंट पूरा नहीं किया, आप अगर सूर्य की दशा में कमिटमेंट बहुत तोड़ते हो ना, बाय डिफॉल्ट आपको डाउनफॉल आ जाएगा, आप अपने आप नीचे गिर जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप बोले कि हो क्या रहा है, कर तो मैं अपने लिए अपने हिसाब से सब बढ़िया कर रहा हूँ, लेकिन आपने कमिटमेंट तोड़ रहे हो, आप लोगों को वादा करके मुकर जा रहे हो, आप धोखा दे रहे हो बाय डिफॉल्ट, बिकॉज धोखा क्या है, राहु है, आप सूर्य की दशा में राहु वाला काम कर रहे हो, आप डूबोगे डूबोगे।
ये प्लैनेट्स की दशा जब भी चले ना, जैसे शुक्र की दशा चल रही है, आप साफ सफाई नहीं रखते हो, अपने आप को अच्छे से कैरी नहीं करते हो, अपने आप को जैसे मन किया वैसे फकीरों की तरह उठ के चले गए आप मैनेजर हो, दिखते दिखते प्यून जैसे हो। तो मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं, वीनस इज ऑल अबाउट कि वीनस इज ब्रांड, वीनस दिखाता है यार मैं ब्रांड हूं, अप्रिशिएट मी। और वीनस की दशा चल रही है और आप बोलते ना कि आप, जैसे मैंने कहा आप बहुत लोग की आदत होती है मैनेजर है वो बहुत सादे बन के चले गए और शुक्र की दशा चल रही है, तो उनका जो बोलते ना प्रमोशन रुक जाएगा या फिर जो बोलते ना डाउनफॉल आ जाएगा उनके लाइफ में, बहुत अच्छा जो रिजल्ट देना था शुक्र को वो नहीं मिल पाए और खराब होगा। तो ऑब्वियसली खराब तो बहुत कुछ कर सकता है शुक्र, आपको पता है आज के डेट में शुक्र क्या क्या चीजों से डील करता है। तो ऐसे ही आपको ना हर एक प्लैनेट को ना देखो कि वो प्लैनेट क्या चीज है और आप उसकी दशा में कर्म कैसे कर रहे हो। अगर आप उसके विपरीत जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी दशा खराब करके रख देगा, आपकी हालत खराब कर देगा वो, ये चीज याद रखिएगा। तो आशा करता हूँ ये जो चीजें मैंने दी थोड़ा सा भी टॉपिक से हटके वो भी आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छा और कोई क्वेश्चन है सर तो पूछ लीजिए, फिर मैं 5-10 मिनट्स में एंड अप करता हूँ। मोहन जी नहीं सर, नहीं, मैं भी क्लियर हूं थोड़ा सा। एक नहीं सर, थोड़ा नहीं पूरा क्लियर हो जाइए, बोलिए सर। इसके मर्क्यूरी के उपाय क्या होते हैं? मर्कुरी, देखिए सर मर्कुरी के लिए उपाय मैंने एक तो आपको बताया, फीड टू पीजेंस, कबूतरों को आप फीड करिए, ठीक है। दूसरा जो तो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो 12 साल से छोटे होते हैं, बिलो 12 ईयर्स, उनको ना खिलौने, किताब कापी, जिससे उनको खुशी मिले, चॉकलेट भी दोगे तो चलेगा, दे शुड बी हैप्पी। और दूसरा, आपकी बहनें और बुआ आपसे खुश रहनी चाहिए, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। बहुत बार आपकी बहनें और बुआ आपसे खुश नाराज नहीं रहनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्ध अच्छा रखने। अच्छा चलो, अच्छा नहीं है ना, एटलीस्ट आपको ना बद्दुआ ना देते रहे, फिर मतलब किसी वजह से गालियां ना देते हो, हमेशा बद्दुआ ना निकले उनके मुंह से, एटलीस्ट आप डिटैच हो, कोई दिक्कत नहीं आपसे, कोई लेना देना नहीं, दैट्स ओके। बट ऐसा ना हो कि आपने उनको कोई पर्पजली हिट किया, याद समझ के, मतलब पर्पजली आपने कोई पेन दिया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मौकुरी के लिए बुआ और बहनों से रिश्ता अच्छा रहे, आपको लाल किताब में मिल जाएगा ये चीज दी हुई, और उसमें लाल किताब वाले तो ऐसे ही चेक करते हैं, आपको पूछेंगे बुआ से जनती बहनों से जनती, आप नहीं बोलोगे वैसे ही बोलेंगे बुद्ध खराब है आपका, सिंपल है। तो आज यहीं तक है, एंड करें सर। अच्छा मोहन जी, आपका जो आगे का है कल, अगर मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ बताइएगा, तो फिर आगे का मैं कंप्लीट कर देता हूँ साइड, ठीक। ओके, नो प्रॉब्लम।